केंद्रीय मंत्री ने चरवाहे से की आत्मिक तरीके से फोन पर बात, कहा मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि शिवपुरी राजपाल यादव निवासी मजारी गांव इंदार थाना के रहने वाला था। वो भैंस को चराने निकले थे, वो अकेले एक टापू पर फंस गए थे। आज सभी के सुरक्षित निकाले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आत्मिक तरीके से अकेले फंसे हुए चरवाहे से फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री ने पहले कुशल मंगल जाना, इसके बाद कहा मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद चरवाहे के भैंस के बारे में भी जानकारी ली कि उनके मवेशी भी बचा लिए या नहीं। चरवाहे ने कहा था कि मवेशी भी बचा लिया गया है, लेकिन उसे रात में डर लगने लगा था। कैसे हो आप? सब सुरक्षित आ गए ना? वहाँ 24 घंटे बेचारे पूरे रात रह गए थे आप? मैंने वहाँ प्रशासन से बात करके, आप सब सुरक्षित हो ना? हाँ, डर भी लग गया होगा तुमको। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं, और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता ना करें। सबको मेरा प्यार दे देना घर पे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, और मजारी में भी सबको कह देना मेरे तरफ से, ठीक है? और भैंस भी ठीक है? भैंस भी ठीक है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखना राजपाल। ठीक है। पिताजी का नाम? हेलो, भगवान सिंह यादव। कितनी उम्र है? हेलो, 32। कहाँ के रहने वाले हो? मजारी के नाम। कैसे फंस गए थे स्टापू पे? स्टापू में सर निकालने गए थे, फिर नदी आ गई थी जोर से। कब के फंसे हुए थे? संजा श्याम के। अच्छा, अभी कैसे निकले हो? अभी अंदर से जो साहब आ गए, इन्हें रस्सी फेंकी, उससे निकल गया। आप सुरक्षित है ना? अब मत जाने देना किसी को इधर, ठीक है? नहीं, ठीक।